तो वही गाजा में रिफ्यूजी कैंप पर हुए हवाई हमले में 35 लोगों की रविवार देर रात मौत हो गई है। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं। वही फिलिस्तीन स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि यह हमला इसराइल ने किया है। हमले में दर्जनों लोग घायल भी हुए हैं। वही सूत्रों की मानी जाए तो गाजा के अधिकारियों और फिलिस्तीन रेड क्रीसेंट सोसाइटी ने कहा कि हमला रिफ्यूजी कैंप पर हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि इजरायली कब्जे वाले इन क्षेत्रों को सेना ने सेफ जोन घोषित किया था, लेकिन जब विस्थापितों को यहां पर रखा गया तो हमला किया गया। वही इजरायल डिफेंस फोर्स ने हमले की पुष्टि की है और कहा है कि उसने राफा में हमास कंपाउंड पर हमला किया, जिसमें कुछ समय पहले हमास के आतंकवादी काम कर रहे थे। वही IDF ने यह भी कहा है कि हमले के बाद लगी आग के कारण कई नागरिकों को नुकसान पहुंचा है, जिसकी जांच की जा रही है।